से हैं आप सब, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं ऑक्सीब्लास्ट फेशियल का रिव्यू देने जा रही हूँ। वैसे तो ये फेशियल ऑल टाइप स्किन के लिए है और ये एक्ने स्किन वालों के लिए तो बहुत ही अच्छा है। आपकी स्किन डल हो गई हो, मुरझाई से दिख रही हो, फेस में ग्लो नहीं है या फिर सन टैनिंग हो गई है, स्किन में कालापन पिगमेंटेशन हो रहा हो, त्वचा में एक्ने दाग धब्बे हो रहे हो, मुहासे हो रहे हो, तो ये फेशियल आपकी त्वचा के लिए ऑक्सीजन का काम करेगा। स्किन की सारी प्रॉब्लम्स को दूर करने के साथ साथ स्किन में ग्लो देगा। गर्मियों के लिए ये फेशियल बहुत ही अच्छा है। वैसे तो आप इसे हर वेदर में कर सकते हो उपयोग। फ्रेंड्स, मेरे पास वन टाइम फेशियल किट है। इसे एक बार में पूरा अप्लाई करना होता है तभी आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इसमें 7 स्टेप हैं जो मैं आपको एक एक करके दिखाऊंगी, क्योंकि 7 स्टेप बहुत लंबा है तो हमें बहुत हल्के हाथों से मसाज करनी होगी। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इस फेशियल को कैसे करना है। तो फ्रेंड्स, इस फेशियल का पहला स्टेप है क्लींजिंग जेल। इसको हम अपने पूरे फेस पे, नेक पे लगा के थोड़ा सा हल्के हाथ से मसाज करेंगे, देन उसको गीले कॉटन या गीले स्पंज से पोंछ देंगे। दूसरा स्टेप है डीप पील। इसको अपने पूरे फेस पर, नेक पे लगाना है और 2 मिनट स्टीम के साथ मसाज करनी है और 3 मिनट विदाउट स्टीम मसाज करनी है, देन उसको फिर अपने फेस को क्लीन कर लेना है गीले स्पंज या कॉटन से। थर्ड स्टेप है स्किन ऑक्सीजनेटर। इसको पूरे फेस पे, नेक पे लगाकर छोड़ देना है, आपको फ्रेश फील होगा। स्टेप है सीरम। अपने पूरे फेस पे, नेक पे लगा के छोड़ देना है, क्लीन नहीं करना है। स्टेप है डीप पेनेट्रिंग मास्क। इस मास्क को अपने पूरे फेस पे लगाना है और हमें ये जो फ्रूट और वेजिटेबल्स को रैप करने के लिए पॉलीथीन फिल्म आती है ना, इसको हमें अपने पूरे फेस पे रैप करना है और 3 मिनट उस पर भाप देनी है। तीन मिनट भाप देने के बाद फिर हम उसको इसी तरीके से छोड़ देंगे 10-15 मिनट के लिए। फिर हम उस रैपिंग को हटाकर
क्लीन कर देंगे फेस को। स्टेप है क्रीम। ये मसाज क्रीम अपने पूरे फेस पे नेक पे लगा के हमें जेंटल मसाज करना है 10-15 मिनट। और मसाज करने के बीच में हम पानी से हाथ को गीला करते हुए अपने फेस को मसाज करेंगे। आप चाहें तो फ्रूट जूस भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे ऑरेंज जूस से भी आप हाथ को गीला करके अपने पूरे फेस पर मसाज कर सकते हैं इस क्रीम को लगा के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, लास्ट स्टेप है हमारा, सेवेंथ स्टेप है मास्क। ये मास्क पूरे फेस पे नेक एरिया पे लगाना है, आंखों के नीचे छोड़ देना है और इसको 8 से 10 मिनट लगाने के बाद जब ये सूख जाए तब हम इसको गीले कॉटन से क्लीन कर देंगे। फ्रेंड्स, मुझे मेरे फेस पर बहुत अच्छा ग्लो दिखाई दे रहा है और मैंने सिर्फ 2-3 स्टेप किए थे तभी मेरे फेस पर बहुत अच्छा ग्लो नज़र आने लग गया था और मुझे ये फेशियल बहुत पसंद आया है। अगर आपको भी ये फेशियल अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना फ्रेंड्स, और इस फेशियल को आप घर पर ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। तो फ्रेंड्स, फिर मैं मिलती हूँ आपको किसी नए दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।